हेलो एवरीवन, माय नेम इज चिराग और मैं आपका स्वागत करता हूँ डेली टेक यूट्यूब में। तो टुडे इज वीडियो अबाउट हाउ टू रिकवर योर हम इसे कह सकते हैं हाउ टू रिकवर योर अनयूज्ड पेन ड्राइव और करप्ट पेन ड्राइव जो कि आप यूज नहीं कर पाते हैं। लाइक जब भी आप अपने यूएसबी पोर्ट को से कनेक्ट करें और आप उसमें कोई भी फाइल कॉपी या पेस्ट नहीं कर पाते हैं, समटाइम्स वी टोल्ड देम यार ये तो खराब हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, नई खरीदनी पड़ेगी। फॉर दोज ऑन दैट पीपल हु डोंट नो हाउ टू रिकवर दिस पेन ड्राइव, ये वीडियो मैंने ऐसे ही इसीलिए बनाया है कि आप इस वीडियो को देखें और आप अपनी पेन ड्राइव को भी रिकवर कर सकते हैं। 99.5% एटलीस्ट आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन 0.5 मैं कह नहीं सकता, होता है ना कभी कभी वायरस का लफड़ा लाइक दैट। सो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल कमांड्स हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये विंडोज़ के थ्रू ही आप इसे रिकवर कर सकते हैं। बेसिकली आप इंटरनली इसे फॉर्मेट करते हैं, तो विंडोज़ के अंदर जब आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं तो आपको कुछ कमांड्स टाइप करने पड़ेंगे उसके रिगार्डिंग, और फिर आप उसको फॉर्मेट करेंगे और एक सर्टन टाइम बाद वो आप इसे फॉर्मेट होके आप उस पेन ड्राइव को यूज़ कर सकेंगे। सो आपको एक नई पेन ड्राइव खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले उसे रिकवर करें और अगर वो रिकवर नहीं होती बाई चांस तो मार्केट जाके नया खरीदें। ओके, सो लेट वी स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है। कमांड प्रॉम्प्ट इज योर सीएमडी, वहां पे आप जैसे ही सीएमडी लिखते हैं आपके रन के अंदर तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट का आइकन दिखता है, उस आइकन पे क्लिक ना करके उस पर फर्स्ट राइट क्लिक करें, देन यू नीड टू गो इनसाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव मोड या एडमिनिस्ट्रेटर मोड। आप जैसे एडमिनिस्ट्रेटर मोड पे जाते हैं तो आप वहां पे सब कुछ कर सकते हैं, दैट मीन्स यू आर द मेन ओनर ऑफ दिस ओएस, या आप कुछ भी कुछ इंटरनली वर्क करना चाहें तो। सो जैसे कि हम एडमिनिस्ट्रेटर मोड में आ गए हैं तो यहाँ पे आपको कुछ सर्टन कमांड्स फॉलो करने पड़ेंगे एंड देन आप उसे रिकवर कर पाएंगे। उससे पहले आपको आपके यूएसबी पोर्ट पे वो वाली पेन ड्राइव लगानी है जो करप्ट हो, जो कि लाइक हियर मैंने अपना एक मेमोरी कार्ड लगाया है। आप कुछ भी लगा सकते हैं, अगर आपका मेमोरी कार्ड करप्ट है, आपकी हार्ड डिस्क करप्ट है या आपकी पेन ड्राइव करप्ट है, कोई भी स्टोरेज डिवाइस जो कि हम एज ए एक्सटर्नल स्टोरेज यूज करते हैं उसे, तो लाइक हियर आई शो यू। जैसे कि ये एक मेरा पेन ड्राइव है, सॉरी मेरा कार्ड है जो कि इशू दिखा रहा है कि इसे फॉर्मेट करना पड़ेगा और फिर आप कर सकते हैं। इसे मैंने फॉर्मेट करने की कोशिश करी पहले पर ये फॉर्मेट नहीं हो पा रहा है, तो अब हमें इसी के थ्रू इसे रिकवर करेंगे। ओके, सो हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है, हम कमांड प्रॉम्प्ट पे चले गए। नाउ यहाँ पे कुछ सर्टन कोड आपको टाइप करने के, वो वन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको शो करूंगा, डोंट वरी। इवन हुआ तो मैं इसका स्नैपशॉट भी अपने फेसबुक पेज पे डाल दूंगा, अगर यू आर इंटरेस्टेड तो प्लीज गो देयर एंड आप डायरेक्टली इसका पूरा स्नैपशॉट ले सकते हैं, और मैं कमेंट बॉक्स से पहले भी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ये कोड लिख दूंगा, तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको टाइप करना है डिस्क पार्ट, विदाउट स्पेस ये टाइप करने पे आप इसके अंदर एंटर कर जाते हैं। आफ्टर दैट आपको ये देखना है कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन सी हार्ड डिस्क लगी हुई है, तो उसके लिए आपको कमांड टाइप करना पड़ेगा विच इज योर लिस्ट डिस्क, यहाँ पे आपको दो हार्ड डिस्क जीरो डिस्क वन दिख रही है, लाइक डिस्क जीरो इज 465 विच इज माई हार्ड डिस्क एंड डिस्क वन इज 1888 अराउंड 1 GB इट्स माई मेमोरी कार्ड विच इज करप्टेड, तो वी नीड टू सॉर्ट आउट दिस इशू, सो वी नीड टू सेलेक्ट डिस्क वन। तो उसके लिए हम टाइप करते हैं सेलेक्ट डिस्क वन, अभी डिस्क वन इज सेलेक्टेड। नाउ इसके बाद हमें इसे क्लीन करना है, जैसे वो क्लीन होता है अब हमें एक पार्टीशन क्रिएट करना है, तो हम यहाँ लिखते हैं क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, पार्टीशन क्रिएट हो गया है, अब इसे एक्टिव करेंगे।
एक्टिव करने के बाद हमें उस जो हमने पार्टीशन क्रिएट किया था उसे सेलेक्ट भी करना है। पार्टीशन सेलेक्ट हो गया है, अब सिंपल फाइनल कमांड जो कि हम देंगे यहाँ फॉर्मेट की, और ये देखिए आपका फॉर्मेट स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, जब आप ये फॉर्मेट वाला कमांड देते हैं तो उस टाइम मोस्ट ऑफ द यूएसबी हार्ड डिस्क और कार्ड्स के अंदर हम फैट फॉर्मेट ही यूज करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे फैट 32 दिया। अदरवाइज अगर आपका NTFS के फॉर्मेट में है तो आप यहाँ पे FS=NTFS देंगे। ये मैंने फुल फॉर्मेट किया है, दैट्स व्हाई मैंने सिर्फ यहाँ पे फैट 32 लिखा है। अगर आपको क्विक और बहुत फास्ट करना है तो फैट 32 स्पेस क्विक भी लिख सकते हैं, तो उससे भी आप अपना कार्ड फॉर्मेट कर पाएंगे और वो इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, जल्दी होगा। और सेकंड चीज़ ये है कि अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे फॉर्मेटिंग परसेंटेज बहुत ही जल्दी इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज ऑफ कि ये मेरे एक मेमोरी कार्ड है और वो भी बहुत कम स्टोरेज वाला, लाइक 1 GB का, दैट्स वाई ये बहुत जल्दी हो रहा है। अगर आपके पास जैसे जैसे स्टोरेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका फॉर्मेटिंग टाइम भी बढ़ता जाएगा, जैसे कि आप 8 GB, 16 GB या 64 या 128 में 1 TB की हार्ड डिस्क को रिकवर करेंगे तो उसमें एक अराउंड शायद जितना स्पेस ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग टाइम लग जाएगा। जैसे कि 8 GB का है तो ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स, और 16, 64, 1 TB अराउंड 30 मिनट्स लग जाएगा। सो इतनी देर के लिए आपको उसे वेट करना पड़ेगा, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम वेट करते हैं और मैं काम करता हूँ, जैसे ही वो 100% होता है फिर मैं आपके पास वापस आता हूँ। अभी मैं इसे पोस्ट करता हूँ एंड देन आई कम बैक टू यू। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 100% कंप्लीट हो गया है। पहले मैंने वीडियो पोस्ट किया था बिकॉज यू नो ये थोड़ा टाइम लेता है, तो मैंने सोचा कि आपको एक सर्टन परसेंटेज तक दिखाता हूँ और उसके बाद जैसे ही 100% होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे 100% कंप्लीट हो गया है, दैट मीन्स मेरा फॉर्मेट खत्म हो चुका है। अब हम जाते हैं हमने माय कंप्यूटर में चेक करते हैं कि जो कार्ड में पहले ओपन नहीं कर पा रहा था क्या मैं उसे अब ओपन कर पाता हूँ। ये हम माय कंप्यूटर में गए और सी पहले सिर्फ मुझे एक एसडी कार्ड का आइकन दिख रहा था, स्टोरेज नहीं शो कर रहा था, लेकिन यहाँ पे अब मुझे प्रॉपर स्टोरेज शो कर रहा है। चलो इनसाइड जाके देखते हैं। वाला हम इनसाइड भी जा पा रहे हैं। सो एक फाइनल काम करना है बिकॉज बहुत सारे टाइम पे हम ओपन कर पाते लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं होता। ओके, तो हम एक काम करते हैं ये PDF को उसमें कॉपी और पेस्ट करके देखते हैं। मतलब हम इसको पेस्ट भी कर पा रहे हैं यहाँ पे। हाँ यस, ये देखिए डेली टेक की फाइल इसके अंदर है। सो माय फ्रेंड्स, इसी तरह से आप अपनी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड को रिकवर कर सकते हैं। तो प्लीज़ जब भी आपकी इस तरह का इशू आपको हो कि कोई भी आपकी स्टोरेज डिवाइस खराब हो चुकी है या फिर आप उस पर एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले इन कमांड्स को फॉलो करें। बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटे कमांड्स हैं और मे बी विद इन 20 to 50 मिनट्स के अंदर आप अपना प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेंगे। इसके बहुत से फ़ायदे हैं,
आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे और आप अपनी हार्ड डिस्क को रिकवर कर लेंगे। पर हाँ, इसका एक डिसएडवांटेज है कि जो भी उसके अंदर आपका डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए मे बी इंटरनेट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते होंगे जो आपका डेटा रिकवर करते होंगे इस तरह की डेट यूएसबी से, पर आई डोंट थिंक सो कि वो फ्री होंगे, यू नीड टू बाय देम और बहुत ही कॉस्टली होंगे। इससे अच्छा है कि आप आपका डेटा ही डेटा ही जाने दें, इतना पैसा लगा कि आप वो लेंगे, इससे अच्छा नहीं पेन ड्राइव ले लें, और वो लेनी भी क्यों अगर ये कमांड्स वर्क करते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत काम कर रहा है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर। ये अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, बिकॉज ये वीडियो मैंने इसी पर्पज से बनाया है कि जो मेरे जैसे लोग हैं, इवन मैं जब 9th 10th में था, 11th में था, तो मुझे भी इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैंने इन चीज़ों के बारे में जाना है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक इन चीज़ों को पहुंचाऊं। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने नेबर्स के साथ, जिसे इसकी रिक्वायरमेंट है उसे सिखाएं, उसे बताएं और आगे से आगे शेयर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना छोड़ें, और आपको छोटी छोटी डेली बेसिस टेक्निकल चीज़ें जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज आती है, उसके रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट्स दें, क्योंकि अगर आप मुझे कुछ नई चीज पूछेंगे तो हो सकता है मैं उसे ढूंढ के, पता करके और फिर मैं आप तक लाने की कोशिश करूं, और बिल्कुल मैं आपके लिए वीडियोस प्रिपेयर करूंगा उनके लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।